अब जैसे चैप्टर 3 पे चलेंगे संस्कृत ग्रामर की, आपके क्लास 9 है, संस्कृत ग्रामर चल रही है और चैप्टर 3 चल रहा है, ठीक है। चित्राधारित वर्णनम, मतलब आपको एक पिक्चर दिए गए, एक क्वेश्चन पेपर में आपके पिक्चर्स आए बन के, और उसी पिक्चर को देख करके आपको उसी के आधार पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। एक वर्णन करना मीन्स एक ऐसा टाइप लिखना है 4-5 लाइन का। कुछ भी बातें समझ लें कि हमको चित्र को ध्यान पूर्वक देखना है, उनके स्थान पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको समझना है, ठीक है। मंजूषा में जो दिए गए शब्द रहेंगे से ब्रैकेट में, उनको समझना है, उनको पढ़ करके अर्थ समझना है। वाक्य बनाते समय भाव और विचार प्रस्तुत करना है, वाक्य न तो छोटे करना है न ज्यादा बड़े लिखना है, वाक्य आपस में संबंधित होने चाहिए, कनेक्टिविटी रहना है, वाक्य सरल होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक है। और चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए ये ब्रैकेट में है उनको लेकर के ही करना है, ठीक है। जैसे चित्र आदि है और जो भी दृश्य है वाक्य से रिलेटेड, वो ऐसे से रिलेटेड वही फिल करना है पिक्चर में, और केवल 5 वाक्य ही बनाने, ठीक है, केवल 5 वाक्य। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप कि ये ब्रैकेट में लिखे हुए वर्ड, इनको फिलअप करना, इनको ये देख लिया हमने पिक्चर, ठीक है, और ये ब्रैकेट में देख लिया वर्ड्स, तो इनको पिक्चर के बेस पे हमको 5 वाक्य बनाने पड़ेंगे, इस तरह से, है ना। यही आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, पिक्चर आएगी, बॉक्स में वर्ड्स रहेंगे और उनको देख करके आपको फिलअप करना है, ठीक है। जैसे ये चित्र देखा हमने और ये सारे शब्द इनको फिल किया, ये 5 वाक्य बना दिए। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, बारिश हो रही, बारिश का माहौल है, पानी बरस रहा है, चिड़िया उड़ रही है, महिला खड़ी है, पुरुष छत्ता लिए जा रहा है, वृक्ष लगा है, बस चल रही है, कार है, एक गाड़ी स्कूटर वाला जा रहा है, ये सब चीजें हैं। ऐसे हम इनको ले लेकर के 5 वाक्य बना सकते हैं। जैसे इसमें है अस्मिन चित्रे तीव्रम झंझावतम दृश्यम, है ना, झंझावत वाला बारिश का माहौल दिख रहा है, और सघन वृक्ष पेड़ भी गिर गए पानी बरसने के कारण, है ना। यातायात जो है पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, रास्ते में वाहनों का पूरा समूह है, फंसे पड़े हैं, है ना, ऐसे भी सारे वाहन एकत्रित हो गए हैं और रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है, है ना। ऐसे आपके ये सारे आएंगे, पिक्चर्स देख करके आपको फिलअप करना है, मंजूषा से लेकर के आपको सरल से इजी से केवल 5 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।